नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज सागर जिले से आ रही है। सागर जिले में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन कराने के लिए निर्वाचन आयोग की पर्ची की तर्ज पर वैक्सीन पर्ची के साथ पीले चावल देकर लोगों को टीका लगवाने का आमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही गांव-गांव टीमें पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करेंगी। 25 और 26 अगस्त को आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के चलते सागर जिले में 250 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें जिले के चिन्हित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में भी निःशुल्क वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला और दूसरा डोज लगाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि अव्यवस्था न फैल पाए और समय पर सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा सके। आपको बता दें कि हर सेंटर पर तैनात रहेंगे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर व वैक्सीनेटर। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 वैक्सीनेटर तैनात किए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था के लिए सभी विभागों के साथ शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। धार्मिक स्थानों पर भी बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान 25 और 26 अगस्त को शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थानों पर भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे वैक्सीनेशन कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। वहीं निजी अस्पतालों के संचालकों द्वारा अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अपने अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर निशुल्क वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाया है तो वे 84 दिन बाद, और जिन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया है तो वे 28 दिन बाद दूसरा डोज जरूर लगवाएं।